हर गलती का दाग आंखों के अमृत से धो देगी, हर गलती का दाग आंखों के अमृत से धो देगी, डुबोकर नींद आंखों में कोई प्यारा सा ख्वाब संजो देगी। हर गलती का दाग आंखों के अमृत से धो देगी, डुबोकर नींद आंखों में कोई प्यारा सा ख्वाब संजो देगी। गम तो जमाने ने भी मुझे कम नहीं दिए कि गम तो जमाने ने भी मुझे कम नहीं दिए, पर मैं हंसता इसलिए हूँ नहीं तो मेरी माँ रो देगी, पर मैं हंसता इसलिए हूँ नहीं तो मेरी माँ रो देगी। तो मैं बेसिकली ये वो लोग रिलेट कर सकते इससे जो जिनकी माँ इस दुनिया में है लेकिन उनके पास नहीं है, और मैं यही मानता हूँ कि दुनिया का सबसे अनलक्की पर्सन वही है कि उनकी माँ दुनिया में है लेकिन उनके पास नहीं है। मैं हॉस्टल में रहता हूँ जोधपुर, तो तब मैंने लिखी थी, अब मदर्स डे गया है कुछ टाइम पहले ही, तो उस पर लिखा था कि ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो मैं माँ को, मेरे माँ को कुछ क्वेश्चंस थे कि कौन करता है अब शिकायतें, कौन करता है अब शिकायतें, और तेरे दामन से लिपट कर अब कौन रोता है, जो बिस्तर लगाती थी मेरे लिए सिलवटें हटाकर अब उस पर कौन सोता है, जो बिस्तर लगाती थी मेरे लिए सिलवटें हटाकर अब उस पर कौन सोता है। वक्त ने दूर ही रखा है तुझसे पर फिर भी जानना चाहता हूँ कि वक्त ने दूर ही रखा है तुझसे फिर भी जानना चाहता हूँ, माँ मैं रोज़ घर नहीं आता अब इंतज़ार किसका होता है, माँ मैं रोज़ घर नहीं आता अब इंतज़ार किसका होता है। कौन दिलाता है अब गुस्सा तुझे किसके लिए अब रोती हो, कौन दिलाता है अब गुस्सा तुझे किसके लिए अब रोती हो, मेरी आँखें ढलने से पहले माँ अब कैसे सोती हो, मेरी आंखें ढलने से पहले माँ अब कैसे सोती हो। तो अब माँ तो माँ होती है, माँ के जवाब सुनिए कि मैं एहसास हूँ मुझे महसूस कर तुझसे दूर होती कहाँ हूँ, मैं एहसास हूँ मुझे महसूस कर तुझसे दूर होती कहाँ हूँ, सिर्फ आंखें ही बंद होती है मैं अब सोती कहाँ हूँ, सिर्फ आंखें ही बंद होती है मैं अब सोती कहाँ हूँ। ना कोई करता है शिकायतें ना अब कोई सताता है, ना कोई करता है शिकायतें ना अब कोई सताता है, खाना आज भी तब ही खाती हूँ जब निवाला तेरा जाता है, खाना आज भी तब ही खाती हूँ जब निवाला तेरा जाता है। तो आखिरी लाइन पे मैंने माँ को जब बताया कि माँ मैं लिखने लगा हूँ, एक्चुअली मेरे घर पे मेरे पापा को तो पता ही नहीं है कि ऐसी खुराफाती चल रही है, और मैं इश्क मोहब्बत पे इसलिए नहीं लिखता कि एक तो मेरा दिल नहीं टूटा है और दूसरी बात यह कि घर वालों को ये ना लगे कि लड़का बर्बाद हो रहा है। तो जब मैंने माँ को बता दिया था कि मैं अब लिखने लगा हूँ, तो मेरी माँ ने मेरे को हौसला दिया कि हाँ अच्छा है। तो उसके बाद मैंने लिखा था कि माँ के क्या बोला होगा कि कलम उठाना दिल से तुम तहरीर इसे करने देना, तहरीर का मतलब होता लिखावट, कि कलम उठाना दिल से तुम तहरीर इसे करने देना, मर जाना सीना तान के तुम पर ज़मीर नहीं मरने देना, मर जाना सीना तान के तुम ज़मीर नहीं मरने देना। और आखिरी लाइन में जो माँ के मायने हैं मेरे लिए वो कि हाँ माँ होती तो इंसान है किसी खुदा की मूरत नहीं, हाँ माँ होती तो इंसान है किसी खुदा की मूरत नहीं, पर जब तक माँ मेरे पास है मुझे किसी खुदा की भी ज़रूरत नहीं, पर जब तक माँ मेरे पास है किसी खुदा की भी ज़रूरत नहीं। थैंक यू, थैंक यू।